बाय डे एंड आपके हैंड एंड फिट बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, झुर्रियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हैंड बहुत खूबसूरत फूलों जैसे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो कोई बेस्ट विंटर लोशन बता दें जिसको हम फॉलो करके अपने हैंड एंड फिट को वाइट कर सकें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त लोशन, जो कि आप यूज़ करके वाकई में कहेंगे कि आपकी ज़बरदस्त लोशन है। इतना अमेजिंग लोशन है कि जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो आप बार बार अप्लाई करने पे मजबूर हो जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो ज़रा इधर आए ना, ज़रा मेरी बात सुने, आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती, इतना टाइम लगा देती हूँ और आपका एक सेकंड लगता है लाइक करने में, फिर भी आप कंजूसी क्यों करते हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जी, इस लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको लोशन चाहिए, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, लोकल से लोकल या कोई भी आप ले सकते हैं लोशन, या जो आपको पहले सूटेबल हो। तो आपने क्या करना है कि वो हाफ लोशन जो है वो आपने लेना है, जैसे कि मैं इसमें निकाल रही हूँ हाफ लोशन। हाफ लोशन आपने ले लिया, उसके बाद ही आपको चाहिए होगी तिब्बत क्रीम। पहले तो आपने सुना होगा इसको फेस पे अप्लाई करने का, लेकिन आज आप देखेंगे हैंड एंड फिट पे अप्लाई करने का तरीका। तो तिब्बत स्नो क्रीम आपको कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाती है। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से होती है। तो ये आपको चाहिए होगी एक चम्मच, एक चम्मच आपने भर के इसकी निकालनी है और इसी लोशन में आपने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद ही आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगी, तो एलोवेरा जेल आपको मार्केट वाली ही चाहिए होगी, आपको फ्रेश इसमें नहीं चल सकती। तो एलोवेरा जेल आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, तकरीबन हाफ चम्मच। तो एलोवेरा जेल हमारे हैंड फिट के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है और वैसे भी ये हमारे हैंड फिट को सॉफ्ट एंड स्मूथ करती है। उसके बाद ही आपको चाहिए होगा हाइड्रोजन परोक्साइड, तो ये आपको हाफ बोतल जो है वो इसमें ऐड करनी है। ये लास्ट में इसलिए हम ऐड कर रहे हैं कि हम इसको फटाफट से बना के मिक्स कर लेंगे। इसका जब ये ओपन हो जाता है तो इसका जो असर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ही हमें चाहिए होगा अमोनिया सॉल्यूशन, तो ये भी आपको हाफ बोतल ही लेना है और वही चीज़ों में आपने ऐड करना है। हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों ही आपको कॉस्मेटिक शॉप से या फिर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, तो दोनों ही आपको आई थिंक 50 रुपये में मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो इतने कम पैसों में इतना ज़बरदस्त लोशन अगर आपका घर में ही बन जाए तो फिर आपको मार्केट वाला लोशन नहीं बाय करना चाहिए। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन आप स्लो स्लो, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हम फटाफट से इसको कर लें और अच्छा ना हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके उसके बाद आपने किसी कंटेनर में इसको डालना है, कंटेनर में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंटेनर में डाल के दिखाती हूँ और यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो जी, मैंने लोशन रेडी कर लिया है और मैंने इसको कंटेनर में डाल लिया। इसी तरह से आप भी कंटेनर में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं, आप इसको एक मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ही एक लक्षण जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही आएगा कि आप ही इसमें हाइड्रोजन अमोनिया है और इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने और चीज़ें ऐड की है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके यूज़ करने का तरीका। तो यूज़ आपने इस तरीके से करना है कि आपने थोड़ा सा ले लेना है, जितना कि मैंने लिया है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और आपने इसको डे में लगाएं चाहे नाइट में लगाएं, किसी टाइम भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको अपने हैंड में अप्लाई कर लेना है, 1 मिनट आप इसी तरह से करते रहें। उसके बाद ही आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, अगर डे में कर रहे हैं तो भी आप लगा के छोड़ दें, और जब चाहें आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो फिर आप सुबह मॉर्निंग में उठ के फेस वॉश से या फिर अपने हैंड वॉश से आप अपने हैंड को वॉश कर लें या सोप से कर लें। तो इसी तरह से आपने यूज़ करना है। जब आप इसको यूज़ करते जाएंगे डे बाई डे एंड आपके हैंड एंड फिट बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, झुर्रियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हैंड बहुत खूबसूरत फूलों जैसे हो जाएंगे। जब आप इसको 1 डे ही यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको यूज़ करते रहें। आपने फर्स्ट वीक इसको डेली यूज़ करना है, सेकंड वीक आप 1 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। अब आप लोगों के कमेंट आएंगे कि क्या आप इसको बच्चे यूज़ कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी इसको बच्चे यूज़ नहीं कर सकते।
आपकी एज अगर 50 है या 40 है तो तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। बच्चे हैं तो फिर सुकून से बैठ जाए, आप नहीं यूज करें। तो जी आप इस एज में तो फिर कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर आपके जो हैंड्स पे आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो तब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो स्लो स्लो आपकी जो झुर्रियाँ वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस लोशन से आपके हैंड एंड फिट इतने सॉफ्ट एंड इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आप जब इसको हैंड लगा के देखेंगे तो कहेंगे फूलों के जैसे, ये तो वाकई में ज़बरदस्त हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने हैंड को फूलों जैसे गोरे गोरे एंड सॉफ्ट सॉफ्ट, तो फिर इस लोशन को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका फीडबैक मुझे आपने ज़रूर देना है, तो मुझे कमेंट करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि इसका रिजल्ट आप लोगों को कैसा मिला। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।